बिग बॉस OTT सीजन 2 की मनीषा रानी का पटना में हुआ ग्रैंड वेलकम। एल्विश यादव के बाद एल्विश के सबसे अच्छे दोस्त कटारिया ने मनीषा की तारीफ में कही ये बड़ी बात। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों हैशटैग तो कई सारे हैं, अभिषा है, अभिया है, एल्विशा है, लेकिन आपको बता दें कहीं ना कहीं ये बातें आपको माननी होगी कि एल्विशा हैशटैग जो है वो बहुत ही ज़्यादा जेन्यून है। एल्विश ने मनीषा को छोड़कर किसी के साथ भी ना ही दोस्ती रखी है और ना ही मनीषा को छोड़कर एल्विश ने किसी के साथ ऑब्सेशन दिखाया है। अभिषेक का बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक रहा है। अभिषेक चाहे जिया हो चाहे मनीषा रानी हो, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फैंडम की लड़ाई चल रही है। लेकिन अब कटारिया जो है वो एल्विश की तरफ से एक बार फिर एल्विश की फीलिंग और मनीषा की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कटारिया ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास था कि मनीषा जी पटना में भी सिस्टम को हैंग कर देंगी। मनीषा ने खुद अपने मुँह से कहा है कि मनीषा ने सिस्टम हैंग कर दिया है घर में एल्विश भाई का, और यहाँ पर पूरे के पूरे बिहार का पटना पहुँचकर मनीषा रानी को जमकर प्यार मिल रहा है। कटारिया ने बोला मैं बहुत खुश हूँ, मनीषा काफ़ी अच्छी लड़की है और काफ़ी अच्छी दोस्त है एल्विश यादव की, और एल्विश के साथ हम बहुत ही जल्दी उसके साथ सॉन्ग करेंगे। मनीषा के साथ सॉन्ग के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। बातों ही बातों में एक और इशारा कटारिया ने दे दिया है कि जिया शंकर का सॉन्ग रिजेक्ट करने की वजह सबसे बड़ी मनीषा ही थी। एल्विश हमेशा से ही चाहते हैं कि वो मनीषा के साथ सॉन्ग करें, न कि जिया शंकर के साथ। जिया शंकर और अभिषेक ने भी एल्विश को सॉन्ग ऑफर किया था, लेकिन एल्विश यादव ने उनके सॉन्ग को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये एल्विशा का फैंडम ही है कि एल्विश का जो ऑब्सेशन है वो मनीषा की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। कटारिया ने बोला कि एल्विश यादव जिसके साथ भी रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिल से रहते हैं, जैसा कि मनीषा है वो प्योर हार्टेड है, इसीलिए तो उनको इतना बड़ा फैंडम मिला है। मनीषा ने ये सारे जनता जो है वो कमाई है। कटारिया ने कहा कि मनीषा को किसी को देनी नहीं पड़ी है, मनीषा ने ये सालों साल में कमाई है, बिग बॉस के घर में कमाई है। वैसे तो कई सारे थे लेकिन मनीषा रानी इतनी अलग थी। मनीषा रानी का ये प्योर हार्टेड नेचर था कि मनीषा ने बड़े बड़े कंटेस्टेंट को, बड़ी बड़ी टेलीविजन की एक्ट्रेसेस को पछाड़ आज वो बन गई हैं मनीषा रानी। फिलहाल के लिए मनीषा का जो ग्रैंड वेलकम हुआ है उस पर तो एल्विश भी बहुत ज़्यादा तारीफ करते नजर आए हैं, लेकिन अब कटारिया के इस रिएक्शन पर आपका क्या है ओपिनियन? क्या वाकई आप भी कटारिया की इस बातों से सहमत हैं? लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब।